जैसे कि हम आपके लिए बेसिक मैथ्स की जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की थी, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट था आपके लिए। आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, दैट इज वेक्टर्स। अब वेक्टर्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे, वो सारी बातें हम अभी डिस्कस करते हैं एज अ इंट्रोडक्शन। हिंदी में अगर बात करें तो आपको दो टर्म्स से डील करना पड़ता है फिजिक्स में, दो चीजें होती हैं जो कवर होती हैं। पहला होता है हमारे लिए स्केलर, अगर हम कहें तो इन्हें कहते हैं अदिश, है ना, और दूसरा होता है वेक्टर्स, जिन्हें हम कहते हैं सदिश। कुछ थोड़ा आपको इनके नाम से भी क्लियर होगा, हिंदी में जो नाम है उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अब फिजिक्स में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है या फिजिक्स में क्या मतलब होता है स्केलर का और वेक्टर का, वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलर के बारे में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम क्वांटिटीज जो होती हैं, हमारी इकाइयां जो होती हैं, जो फिजिक्स में अलग अलग क्वांटिटीज हम यूज करते हैं, क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, वर्क हो सकता है, फोर्स हो सकता है ना, बल हो सकता है, स्पीड हो सकती है, चाल हो सकती है, या कहें वेलोसिटी हो सकती है, वेग हो सकता है ना, एक्सेलरेशन, त्वरण हो सकता है, ये सब अलग अलग क्वांटिटीज है ना, इनको यूज करके टेम्परेचर हो सकता है, ताप जिसे हम कहते हैं, इन सब के बारे में हमको बता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। अब कैसे हम अंतर समझे, पहले तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम समझते हैं कि स्केलर मतलब क्या, स्केलर शब्द का अर्थ क्या है और वेक्टर शब्द का अर्थ क्या है, उसके आधार पर हम इजीली समझ पाएंगे कि फिजिक्स में ये कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले मैं बात करूं स्केलर्स की, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको सपोज घर से कुछ सामान लाने के लिए कहा, एक शॉप पर जाना है आपको, उस शॉप से कुछ सामान लेकर आना है। अब आपका काम क्या है, आपको शॉप पर जाना है, शॉप से सामान लेकर आना है, ठीक है। अब यहां पर आपको, आप गए दुकान पर, गए शॉप पर, गए और शॉप से जो सामान आपको लाने के लिए कहा था वो लेकर आप वापस घर आ गए। अब आपको घर से निकलते वक्त जो सामान लाने के लिए कहा था, ऐसा तो नहीं बताया कि इस रास्ते से ही जाना पड़ेगा, या पहले ऐसे जाना, सीधे सीधे जाना, फिर राइट टर्न लेना, फिर लेफ्ट में टर्न होना, ऐसा किसी ने रास्ता तो बताया नहीं था आपको, डायरेक्शन ही बताई आपको, है ना। आपको सिर्फ क्या बोला कि आपको इस शॉप से जाकर सामान लेकर आना है, आपने वहां पर डायरेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो जब डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं होती है ना, इसीलिए हमने कहा ये क्या होता है, अदिश, जहां पर दिशा, डायरेक्शन का मतलब हिंदी में होता है दिशा। अब दिशा को किसी और से रिलेट ना करें, दिशा मतलब डायरेक्शन, है ना। तो अगर आपको डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे, इट मींस वो क्या है, स्केलर है। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है ना, उसको यहाँ पर फिजिक्स में अलग चीज है ये, वो भी हम समझेंगे कैसे। वेक्टर्स की बात करें, इसी एग्जांपल में, इसी उदाहरण में, अगर मैं अब कह रही हूं कि घर से आप जब निकल रहे हो तो आपको एक रास्ता बताया गया, आपको डायरेक्शन, दिशा बताई गई कि आपको किस दिशा में दुकान पर पहुंचना है, किस किस डायरेक्शन को फॉलो करके आपको दुकान तक पहुंचना है, तो वो क्या हो जाएगा, केस वेक्टर्स। जब क्या आ जाएगा, आपके पास कोई डायरेक्शन रहेगी या हम कहें दिशा रहेगी, तो इसीलिए वेक्टर को कहते हैं सदिश, दिशा के साथ, ठीक है। अब आपका कुछ अर्थ का अनर्थ नहीं करें, जो मैं कह रही हूं उस पर ध्यान दे, हम अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम देख रहे हैं वेक्टर्स। चलो, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, स्केलर मतलब क्या, जब डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ हमको काम से मतलब है या हमारी जो वैल्यू है उस वैल्यू से मतलब है, ठीक है। वैल्यू क्या थी, जरूरी क्या था कि आप सामान लेकर आ जाए, जरूरी ये था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपको एक डायरेक्शन बताई और उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपको वो सामान घर लेकर आना है, तो इसीलिए ये हो गया वेक्टर्स। अब एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है स्केलर और वेक्टर की, और कैसे वेक्टर फिजिक्स में रिलेटेड है और स्केलर भी कैसे रिलेटेड है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो स्केलर होती है ना, उनको कोई डायरेक्शन नहीं होती उनकी, सिर्फ क्या है, उनकी वैल्यू है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, मैक्सिमम मिलेंगी आपको ऐसी, जिनकी क्या है, डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी है, उनकी कोई दिशा भी है, आपको पता है किस डायरेक्शन में ये करना है,
जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स अभी दूंगी आपको, उससे आपको ये सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर्स। यहीं पर मैं आपको दो पार्ट्स में समझा रही हूँ, डेफिनेशन भी दोनों की, कंपैरिजन भी हो जाएगा साथ में, और साथ में ही हम इनके बारे में एग्जांपल्स भी देख लेंगे। आइए सबसे पहले स्केलर्स, क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, एंड नो डायरेक्शन। शब्दों पे ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इतनी ही परिभाषा है। ठीक है, मतलब क्या है, सिर्फ वैल्यू रहेगी कुछ भी, है ना, उसके बारे में कोई डायरेक्शन के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, उसकी डायरेक्शन कुछ होती नहीं है। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल, अब फिजिक्स के रिलेशन में हम सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहला और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिस्टेंस, दो जगहों के बीच की दूरी। दो जगहों के बीच की दूरी, दूरी होगी कुछ भी, 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी दूरी है, आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उस जगह से लेकर आप मान लो किसी एक जगह से चलना शुरू करें, आप बस में बैठे और आप किसी दूसरी जगह पहुंच गए, तो बस ने कितनी दूरी तय की वो हम देख रहे हैं, हमको दूरी से मतलब है, दूरी के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, हम ये कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल स्पीड, चाल, है ना, मान लो आप जिस बस से गए उस बस की जो स्पीड थी वो थी 40 की, है ना, तो 40 किलोमीटर पर आवर थी उसकी स्पीड, है ना, प्रति घंटे से। तो हम क्या कह रहे हैं, आप डायरेक्शन थोड़ी बोल रहे हैं कि इस दिशा में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चली, नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसीलिए स्पीड भी क्या हो गई हमारी, स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा मैं बात करूं वर्क, है ना, जिसे हम कह सकते हैं कार्य, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। काम होने से मतलब है, उसकी डायरेक्शन से मतलब नहीं, किस दिशा में काम हो रहा है, हम ऐसा थोड़ी ना कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि काम हो रहा है ऐसे, है ना, तो इसीलिए वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद में बात करूं टेम्परेचर, ताप, इसकी भी कोई डायरेक्शन इसका नहीं होता है, टेम्परेचर कुछ भी है, अगर हमारी बॉडी की बात करें, हमारे शरीर का कोई तापमान है तो तापमान है, बस जितना है इतना वैल्यू है उसकी, डायरेक्शन थोड़ी ना बताएंगे इस डायरेक्शन में इतना तापमान है। तो टेम्परेचर जो है, ताप है, वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इतने एग्जांपल्स आई होप सफिशिएंट है आपको बात को समझने के लिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। बढ़ते हैं वेक्टर्स, जस्ट इसका उल्टा, उल्टा मतलब ये, क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनकी वैल्यू भी होगी और जिनकी कोई दिशा भी होगी, इसीलिए हम इनको कहते हैं सदिश। ठीक है, अब ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं एग्जांपल्स की अगर बात करें। पहला एग्जांपल यहीं पर डिस्टेंस के स्थान पर अगर मैं तुलनात्मक बातें करूं तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। दूसरा मैं बात करूं वेलोसिटी, वेग। तीसरा इसके बाद हम बात करें एक्सेलरेशन जो हमारा होता है, हाँ, त्वरण। फोर्स की बात करें बल, तो बल भी आप पता रहता है आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, आप किसी चीज को अगर नॉर्थ डायरेक्शन में खींच रहे हो, इस डायरेक्शन में उसको पीछे खसका रहे हो, उसे जो भी कर रहे हो, तो वहां पर क्या लगा रहे हो आप, कोई फोर्स लगा रहे हो, कोई बल लगा रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन आपको पता रहती है, किस दिशा में बल लगा रहे हो, किस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वांटिटीज कैसी कहलाती है, वेक्टर, जिनकी वैल्यू भी होगी, कितना फोर्स लगाया वो भी हमें पता है, 10 न्यूटन का लगा, 20 न्यूटन का लगा, कितना फोर्स लगाया वो हमको पता है, और किस दिशा में वो फोर्स लगा वो भी हमको पता है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, अभी हम स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे वेक्टर्स अभी हम, मैं ये मान के चलूं कि आप लोग 11th बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने सिर्फ शुरुआती जो टर्म्स आपको पता है फिजिक्स की उन्हीं के बारे में बात की। यहाँ पर 12th की कुछ टर्म्स है, मतलब 12th में भी ऐसा है सिलेबस में टर्म्स क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर भी होती है, वेक्टर भी होती है, उनके बारे में अभी हम बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगे कि क्यों इन्हें हम वेक्टर्स कह रहे हैं, क्यों इन्हें हम सदिश कह रहे हैं। अब
आती है बात वेक्टर्स को कैसे हम दर्शाते हैं। अच्छा हाँ एक और बात, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, ये तो बातें क्लियर होंगी आपको शायद। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची तो कितना उसमें विस्थापन हुआ। अब विस्थापन हुआ तो किस दिशा में उसका विस्थापन हुआ वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना, कि किस दिशा में वो जगह उसकी किस दिशा में बदली है। जैसे मान लो पहले वो ईस्ट से चलना एक पॉइंट पर है, एक पॉइंट में वो इधर चलना शुरू करती है, 40 मीटर चलती है स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में चल रही है 40 मीटर। तो हमने डायरेक्शन की बात करें अगर, तो ये वाली डायरेक्शन जो हमारी है वो हो जाएगी, किस डायरेक्शन में चल रही है वो, ईस्ट में, तो हम कहेंगे उसका विस्थापन हुआ 40 मीटर इन ईस्ट, है ना, ईस्ट में उसका विस्थापन हुआ है। चलिए तो आई होप इतनी बातें सभी को क्लियर होंगी। अब इसको हटाकर हम आ जाते हैं वेक्टर्स के बारे में, अगली बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को कैसे दर्शाते हैं वो सब कुछ। अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे वेक्टर्स को दर्शाने हैं, या वेक्टर्स कोई क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लिखते हैं, वो सारी बातें। पहले एक बार आज का फ्लो देख लें क्लास का, कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले। मैं एक बात और बता दूं कि वेक्टर्स को हम दो पार्ट्स में समझेंगे, एक पार्ट आज आपके लिए लेकर आए हैं हम, इस पार्ट में हमने आधा पोर्शन कवर किया है वेक्टर्स का, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आपके लिए, जितने भी वेक्टर्स में हैं हम चाह रहे हैं सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो जो आप फिजिक्स में पढ़े और आपको लगे कि वेक्टर्स में हमने ये चीज नहीं समझी है, इसीलिए हमने इसे दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है। तो चलिए देखते हैं आज का फ्लो। सबसे पहले हमने बात कर ली स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में, है ना, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बाद अगली बात हम करेंगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कैसे दर्शाते हैं हम वेक्टर्स को, लिखते कैसे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार में क्या बात होती है ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। आगे बढ़ते हुए फिर हम देखेंगे एंगल वेक्टर्स के बीच का जो होता है, दो वेक्टर्स आपको दिए हैं, उन दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे पता करेंगे हम, कितने एंगल पर दोनों वेक्टर्स हैं। एंगल पता करने के बाद जो बात आती है वो है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट से मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका टोटल कितना होगा, है ना। अब रिजल्टेंट में दो तरीके से बात होगी, एक होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स और एक होगा डिफरेंस, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जैसे मान लो मैं कहूं एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट पता करो, इसीलिए ए प्लस बी, एक वेक्टर ए है उसमें से आपको वेक्टर बी को माइनस करना है। तो अब ये सिंपली माइनस प्लस नहीं होते हैं, ठीक है, इनके लिए आपको एक रूल लॉ होते हैं हमारे, कुछ लॉज होते हैं। जैसे मैं एडिशन के लिए बात करूं तो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो बहुत फेमस है और इसी को लेकर हम मेनली इसी से हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, रिजल्टेंट पता करते हैं। और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, ये दो लॉ हम यूज करेंगे रिजल्टेंट को पता करने के लिए, और जो डिफरेंस है ना वो इसी से आएगा कहीं ना कहीं। अब वो कैसे आएगा हम उसको आगे समझेंगे। तो इसी में इतना सॉल्व करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो रिलेटेड होंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स से, एडिशन से, उसको हम सॉल्व करेंगे। हम डेरिवेशन भी देखेंगे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कैसे हम डिराइव कर सकते हैं रिजल्टेंट को, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो इतनी बातें हैं जो आज के लेक्चर में आपको मिलेंगी। चलिए सबसे पहली चीज से स्टार्ट करते हैं, पहली चीज तो वैसे हमने पढ़ ली है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में दोनों में अंतर क्या होता है, छोटा सा अंतर है, एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दूसरे में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाते हैं तो वेक्टर बन जाता है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज। अगर मान लो मैं कहूं ये कोई वेक्टर है, ए से दिखा रहे हैं हम इसको, ठीक है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन दिख रही है आपको, एरो लगाया है हमने, ये यहां से वेक्टर इधर की तरफ बढ़ा, है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम कहेंगे इसे हम ऐसा लिखते हैं। सबसे पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा, ये लगाया मतलब ये क्या है, एक वेक्टर है, या हम इसको बोल्ड में दिखाकर भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, है ना, डार्क से बना दिया इसको ए को, तो ये क्या, ये भी क्या दर्शा रहा है कि ए क्या है, एक वेक्टर है। ये दोनों बातें आई होप आपको क्लियर होंगी। अब
इसकी वैल्यू को दिखाने के लिए, इसकी सिर्फ वैल्यू को दिखाने के लिए हम इसको लिखते हैं ऐसा, मैग्नीट्यूड, जो किसको क्या दर्शा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए के ऊपर ऐसी लाइन खींची है मतलब वो एक वेक्टर है, या फिर अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकती हूं। ये वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो आई होप आपको सबको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक और बात जो यहाँ पे समझना जरूरी है, ये जो पॉइंट है यहां से हमने वेक्टर बनाया है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है ना, ये जो हमारा पॉइंट है यहां से स्टार्ट होकर वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, है ना, इनिशियल यहां से है और ये कहलाएगा इसी टर्म में फाइनल पॉइंट, है ना, शुरुआत का पॉइंट, ये बाद का पॉइंट। अब कहां है वेक्टर, इसके लिए एक और टर्म जो यूज होती है वो होती है टेल, पूंछ इसकी, है ना, पीछे की साइड से है, और कहां बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ, तो इसका मुंह कहां है, हेड कहां है, ऊपर की तरफ, तो इसे हेड और टेल, हेड और टेल से भी इसे हम पहचानते हैं कि क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। अगर आप ट्रायंगल लॉ की बात करें, पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, तो वहां पर हमें इस बात को समझना जरूर रहेगा कि जो लिखा है स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का, तो कैसे हमको वेक्टर्स को अरेंज करना है। कभी कभी हेड टेल के फॉर्म में भी लिखी रहती है वो बात, स्टेटमेंट जो रहता है उनका अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो उसी लिए आपको ये याद रखना जरूरी है। ये हमारा होता है टेल और ये हमारा होता है हेड, यहां से ये पीछे वाला हिस्सा है इसलिए टेल, और ये आगे है यहीं से आगे बढ़ रहा है वो, तो हेड कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। चलिए, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दर्शाते हैं, और एंगल जो रहेगा इसका, एंगल हम जनरली ऐसे देखते हैं कि कितने एंगल, डायरेक्शन कौन बताएगा हमको, सीधी सी बात है, एंगल बताएगा, है ना, अगर ऐसे जा रहा है सीधे सीधे तो हम क्या कह देंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है, ऊपर जा रहा है तो हम कह देंगे नॉर्थ में है, ऐसे मतलब सॉरी ऐसे जा रहा है तो हम कह देंगे साउथ में है, ऐसे जा रहा है तो हम कह देंगे वेस्ट में है, है ना, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब बना दिया हमने यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ है तो बात समझ में आती है, लेकिन ये वेक्टर अब क्या है, ना ही नॉर्थ में है पूरा और ना ही पूरा किस में है, ईस्ट में है, ना ही नॉर्थ में ना ही ईस्ट में, बीच में कहीं पर है, तो आपको एंगल के माध्यम से बताना पड़ेगा कि कितने एंगल से ये चेंज है। जैसे मैं कहूं कि ये जो है 45 डिग्री के एंगल पर है, ये वेक्टर एक्स के साथ, इसे हम एक्स समझते हैं, एक्स डायरेक्शन, ऐसा अगर मैं कहूं एक्स यही होता है ना, ऐसा एक्स वाई ग्राफ पढ़ते हैं हम, एक्स और ये वाई, ऐसा कुछ मैं कहूं तो एक्स के साथ कितना एंगल है 45, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी है 45 डिग्री के डायरेक्शन से, 45 डिग्री के एंगल से उसकी दिशा जो है वो है इससे एक्स से, तो इसीलिए डायरेक्ट थीटा से एंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो डायरेक्शन होती है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा का यूज कर लेते हैं। यहां पर बहुत गंदा लिखा है राइटिंग, डायरेक्शन। चलिए, तो अब आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी। दो बातें आपको याद रखनी वेक्टर्स में, एक होता है उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू जिसको हम ऐसे लिखते हैं, और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन को बताने के लिए हम एंगल का यूज करते हैं, जितना एंगल वो एक्स के साथ बना रहा है, ऐसे जितना बना रहा है, हो सकता है भाई के साथ बनाए तो भाई के लिए फिर अलग केस हो जाएगा, वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम देख रहे हैं। अभी इतनी बातें हमने समझ ली है कैसे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। ये तीन तरीके होते हैं दर्शाने के, मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए दो डंडी के बीच में उसको लिख देते हैं, दो लाइनों के बीच में मॉड जैसा कुछ, हाँ, इससे बताते हैं मैग्नीट्यूड, और अगर डायरेक्शन है तो वो थीटा से। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के प्रकार, जो बहुत सारे होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या कहा देखने को मिलेगा, सबसे पहले और सबसे छोटा ले लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स बराबर कब होंगे, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर्स को बराबर या इक्वल वेक्टर कब कहा जाएगा, जब दोनों की क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो, एक ही दिशा में हो दोनों, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे मैं कहूं ये एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड है 10, और एक और वेक्टर है बी जो इसी डायरेक्शन में है सेम,
और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी है 10। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी अलग है तो हम इनको इक्वल वेक्टर्स नहीं कहेंगे। अगला वाला जो है वो कहेंगे, क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स, है ना। मतलब यहीं पर अगर मैं कहूं ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड है 10, ये दूसरा वेक्टर है b जिसका मैग्नीट्यूड है 10, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज ये और ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन और बोथ डिफरेंट, दोनों डिफरेंट, है ना, दोनों अलग अलग, या तो डायरेक्शन अलग हो या मैग्नीट्यूड अलग हो या फिर दोनों अलग हो, तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स क्या है, अनइक्वल। मतलब हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं है, अनइक्वल है दोनों। तो ये हो गया हमारा, सीधी सी बात है ना, दोनों टाइप्स हो गए, इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अनइक्वल इक्वल वेक्टर्स अनइक्वल वेक्टर्स हमने देख लिए। अगला वेक्टर जो आता है थर्ड वाला, वो आता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स सब समझते होंगे, है ना, ये दो वेक्टर्स बनाए पैरेलल हैं, जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं वैसे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। दोनों के बीच में अगर आप दोनों को मिलाओगे या दोनों के एंगल देखोगे तो एंगल कितना होता है दोनों के बीच का, 0 डिग्री, है ना। इसको यहां पर, इसको और ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, जैसे मैं ऐसा बना दूं, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, भले ही छोटे बड़े हैं उससे हमको मतलब नहीं कि वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, नहीं है ना, लेकिन दोनों कैसे हैं पैरेलल। अगर आप दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो एंगल कितना होता है पैरेलल वेक्टर्स के बीच का, 0 डिग्री। मतलब इन द सेम डायरेक्शन, इक्वल भले ही ना हो लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की, एकदम सेम है ना। ये ऐसा है, ये वेक्टर भी ऐसा है, तो हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है और इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब इसका उल्टा, पैरेलल तो हो गया, अब आएगा एंटी पैरेलल, मतलब जो पैरेलल नहीं हो। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में सपोज ऐसा कुछ है, ये वेक्टर ऐसा है और ये वेक्टर ऐसा है, तो क्या कह सकते हैं, पैरेलल मतलब होना, मतलब क्या कि दोनों के डायरेक्शन सेम होना, मतलब ऐसा कुछ है ना। अब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, एंटी पैरेलल, ठीक है। या मैं कहूं ऐसा नहीं समझ में आया, तो एक वेक्टर ऐसा है एक वेक्टर ऐसा है, अब दोनों पैरेलल है क्या, नहीं दोनों पैरेलल नहीं है, है ना। तो इनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों कैसे है, एंटी पैरेलल है, पैरेलल नहीं है तो एंटी पैरेलल, ऑपोजिट, अपोजिट नहीं, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अगला समझते हैं, अब आ जाता है ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स मतलब एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, है ना। ये सपोज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों ऑपोजिट कहलाएंगे, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, ऑपोजिट है। जैसे मैं आपको एक और बना के दूं, ये ऐसा कुछ है तो ये वेक्टर्स भी ऑपोजिट है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये भी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, पूरा ऑपोजिट, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। उल्टी दिशा में जा रही है, ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा जा रहा है, मान लो ये ईस्ट में जा रहा है तो ये कहां जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स कैसे है, ऑपोजिट है। अब अगले पे आ जाते हैं नेगेटिव वेक्टर्स कब कहा जाएगा। जैसे सपोज मैंने आपको एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है 10 है, दूसरा वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी 10 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो हम कहेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है दोनों की, तो हम कहेंगे कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो कैसे हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं। मतलब बी जो है वो ए का नेगेटिव है, कैसे,
मैग्नीट्यूड तो क्योंकि सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है, तो इसलिए हमने उसको कैसे शो कर दिया, ऐसे कुछ शो कर दिया है। तो जैसे कि हमने देखा ये हमारे ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स कवर हो चुके हैं। अब आगे बात करते हैं हम कुछ वेक्टर्स और बाकी हैं उनके बारे में। अगला वेक्टर हमारा आता है कोइनिशियल वेक्टर। नोट करने की बात है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, हमारे पास ये सुविधा है। शायद सनत वाला है, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट कैसे, ये ऐसा कुछ है ना, इनिशियल पॉइंट इनका क्या है, तीनों का सेम है, तीनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम क्या, तीनों की टेल से भी आप समझ सकते हैं कि तीनों की टेल क्या है, कॉमन है ना, कॉमन टेल मतलब दोनों तीनों क्या है, इनिशियल पॉइंट तीनों का सेम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखें को लीनियर वेक्टर्स यहां पर मैं थोड़ा सा लिख भी देती हूं उसके बारे में, सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। आगे बात करें अगर हम कोलिनियर वेक्टर्स की, जो लाइंग ऑन द सेम लाइन मतलब सेम लाइन में अगर होंगे, लाइंग इन सेम लाइन, सेम लाइन में कैसे, जैसे ये एक वेक्टर है, ये दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना, तो हम कहेंगे दोनों कैसे हैं, कोलिनियर। ऐसा भी आएगा, ये भी कोलिनियर कहा जाएगा, अगर ऐसे वेक्टर्स हैं वो भी कोलिनियर कहे जाएंगे। एक कोई सा कॉम्बिनेशन बच गया ये वाला, या ऐसा अगर है तो वो भी क्या कहा जाएगा, कोलिनियर, क्योंकि सेम लाइन पर आ रहे हैं दोनों। अगर आप एक लाइन बनाओ यहाँ पे इमेजिनरी, तो कैसे आ रहे हैं, सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। चलो कोलिनियर वेक्टर्स भी कवर हो गया है। और अब आता है कॉनकरेंट वेक्टर्स बहुत सारे, मैंने टाइप्स है वेक्टर्स ही बहुत सारे। चलो अब मान लो कि एक पॉइंट है, उस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, है ना, मैंने कहा F1, ये F2 और ये F3, या तीनों एक पॉइंट से गुजर रहे हैं किसी सेम पॉइंट से, है ना। जैसे मान लो ये पहले ऐसा कुछ था और ये पहले ऐसा कुछ था, और तीनों जब पास हुए, तीनों जब आगे बढ़े, तो तीनों सेम पॉइंट से गुजरते हुए आगे बढ़े, तो हम कहेंगे ये वेक्टर्स क्या है, कॉनकरेंट वेक्टर्स। हम कह सकते हैं एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, और पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, अगर सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं आगे बढ़ाने पर या आगे बढ़ने पर, तब भी हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स कैसे हैं, कॉनकरेंट वेक्टर्स हैं। चलिए इतना सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद अगला जो वेक्टर आता है हमारा कोप्लैनर वेक्टर्स, एक ही प्लेन में अगर वेक्टर्स हैं, जैसे मैं कहूं ये प्लेन है ना, एक प्लेन बनाया, प्लेन समझते हैं सभी, एक्स वाई प्लेन है ना, अगर ये प्लेन बनाया तो इसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे सब कैसे होंगे, कोप्लैनर, सेम प्लेन में है। जैसे मैं कहूं ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, तो ये सारे वेक्टर्स क्या कहे जाएंगे, कोप्लैनर, एक्स वाई प्लेन में हो, चाहे वाई जेड प्लेन में हो, चाहे जेड एक्स प्लेन में हो, किसी में भी हो, हम क्या कहेंगे कि ये वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लैनर, सेम प्लेन वेक्टर्स इन सेम प्लेन। और एक और बात याद रखें, यहां पर टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लैनर, अगर कोई दो वेक्टर्स है तो वो हमेशा कोप्लैनर रहेंगे, वो सेम प्लेन में ही रहेंगे। जैसे अगर मैं एक बुक लू, उसके ऊपर आप रख के देखो, कोई दो पेन रख के देखो, तो दोनों सेम प्लेन में है, बुक के प्लेन में है, सेम प्लेन है ना, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, कोप्लैनर वेक्टर्स। और दो प्लेन हमेशा आप जैसे भी रखना चाहो, अगर आप उन दो पेन्स को किसी भी तरीके से रखो, वो दो पेन जो रहेगी, पेन वो हमेशा कोप्लैनर रहेगी। एक और बात, अब आप तीन प्लेन को रखने की कोशिश करो, प्लेन पेन सब इकट्ठा हो रहा है, थ्री वेक्टर्स मे नॉट बी कोप्लैनर। मेरी बात पर ध्यान दे सभी, इधर बोर्ड की तरफ जो मैंने लिखा है, तीन वेक्टर्स कोप्लैनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, अब एक प्लेन आपने लिया, उस पर आप
तीन वेक्टर्स अलग अलग रखने की कोशिश करो, तो हो सकता है एक वेक्टर अगर बाहर की तरफ जा रहा है, एक पेन को ऐसे सीधे खड़े रख दिया, तो अब वो जो पेन है वो बाकी दो के कोप्लैनर नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो अब दूसरे प्लेन में है, समझ रहे हैं? परपेंडिकुलर रख दिया मैंने ना, ऐसा खड़ा रख दिया उस पेन को, ऐसा रख दिया, तो क्या वो अब कोप्लैनर है उस बुक के लिए? नहीं है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि तीन वेक्टर्स कोप्लैनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बाकी दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लैनर होंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब दो वेक्टर्स और बचे हैं लास्ट हमारे टाइप्स में, उनको हम कवर कर लेते हैं। कौन सा था ये, है ना, 11वां और एक 12वां। एक होता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, है ना। जीरो वेक्टर मतलब क्या, जीरो होगा, लेकिन क्या जीरो होगा, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मैग्नीट्यूड इज जीरो, है ना। और डायरेक्शन की बात करें, अब मैग्नीट्यूड है नहीं तो डायरेक्शन उसकी कोई सी भी हो सकती है, एनी डायरेक्शन, हमको नहीं पता उसकी क्या डायरेक्शन है, या हम कहें आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी। अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो कोई भी डायरेक्शन ले सकता है वो, अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो, ठीक है। अब इतना समझने के बाद एक लास्ट आता है और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर डायरेक्शन। बात समझ गए मेरी आप? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यूज कर रहे हैं उसको हम डायरेक्शन को। तो यूनिट वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर्स का जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है ऑलवेज क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, है ना। विच हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर ले, विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 और यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब ही 1 होता है यहां पर, यूनिट मैग्नीट्यूड ये जी है, एंड यूज्ड ओनली टू शो डायरेक्शन, जिसे सिर्फ डायरेक्शन या दिशा समझाने के लिए यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। इसमें हम जो पढ़ेंगे, तीन प्रकार के यूनिट वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, आई जे और के, जिसमें आई जो होता है वो होता है दिखाता है एक्स डायरेक्शन को, जे होता है वो दिखाता है वाई डायरेक्शन को, और जो के होता है वो दिखाता है जेड डायरेक्शन को। मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना इनका काम है, और इनको लिखा भी मैंने अलग तरीके से, अगर आप ध्यान देंगे तो इनके ऊपर मैंने ऐसी एरो नहीं लगाई है, मैंने क्या लिखा है, कैप, है ना, ये ऐसा कुछ, इसके ऊपर भी एक्चुअली मुझे कैप ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक कैप लगाकर, कैप बोल ले, कैरेट बोल ले, हैट बोल ले, जो अच्छा लगा आपको वो कह ले इसको, है ना। ये लिखा मैंने आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप किस डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया हमने, एक्स को दिखाने के लिए, हमेशा ये करेंगे। वाई जो है उसको दर्शाने के लिए हमने कौन सा यूज किया है, जे कैप, और जेड वाली को दिखाने के लिए हमने यूज किया है के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर्स है जो तीनों डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, 1, सिर्फ और सिर्फ क्या है उनके पास, डायरेक्शन है। चलिए, तो आई होप यूनिट वेक्टर्स आपको क्लियर होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डीप में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जितने भी टाइप्स थे हमने सारे कवर कर लिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब एक वेक्टर नहीं रहेगा, दो वेक्टर्स की बात करेंगे और दोनों के बीच का एंगल, है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जैसे मैं कहूं एक वेक्टर ये है इधर ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल सभी को समझ में आ रहा है, वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। अब मैं ऐसा कुछ बना देती हूं, ऐसा नहीं, है ना, ये जो है ए वेक्टर और ये हमारा है बी वेक्टर, अब इन दोनों के बीच का एंगल मुझे बताओ। दिया है मुझे सपोज ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है, तो अब कैसे का करेंगे, एंगल की बात हमेशा याद रखो, दो वेक्टर्स के बीच में
स्मॉलर एंगल देखना है आपको, है ना, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टेकन, है ना, दोनों के बीच में जो छोटा एंगल रहेगा उसको लेना है। अब यहां पर देखो, इसमें आप क्या कहेंगे, दोनों के बीच का एंगल 120 नहीं लेंगे आप, कैसे लेंगे मैं बताती हूँ। उसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी पहले हमको, इसको यहीं पर रोक कर पहले मैं ये समझा दूं, फिर इससे हम ये वाला एंगल पता करेंगे। उसे हम कहते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने पैरेलल वेक्टर्स पढ़े थे अभी अभी, ये वेक्टर अगर ऐसा है ना, ए वेक्टर, अब मैं ऐसा का ऐसा इसको कहीं पे बना दूं, है ना, ऐसा का ऐसा इसको यहां से उठाकर मैंने कहां रख दिया, यहां पर रख दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, जैसा था ऐसा था इसको ही मैंने उठाकर कहां रख दिया, थोड़ा इधर, और मैंने उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया, जैसा था वो वैसा का वैसा उठाया और यहां रख दिया, यही कहलाता है पैरेलल शिफ्ट करना वेक्टर्स को, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। एक और एग्जांपल देखो, मान लो एक वेक्टर है वो ऐसा बना है, इसी को मैंने उठाकर यहां बना दिया वैसा का वैसा, तो क्या कोई चेंज होगा इसमें, नहीं होगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको मैंने क्या किया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, अपनी जगह से उसकी पोजीशन को शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट किया है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको यहां से उठाकर कहां रख दिया, यहां पर, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। आई होप आपको इन दोनों डायग्राम से मेरी बात समझ में आ गई होगी, सिर्फ पैरेलल शिफ्टिंग किया हमने। अब यहां पर वापस आ जाओ, अब मुझे एंगल देखना है, और मैंने क्या कहा अभी कि दोनों के बीच का कौन सा एंगल लेना है, छोटा वाला, तो क्या मैं इस ए को उठाकर ऐसा यहां बना सकती हूं, ऐसा का ऐसा था इसको मैंने यहां से पैरेलली कहां कर दिया, यहां कर दिया, तो कोई बदलाव होगा इसमें, नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए के बीच के बीच का एंगल से मतलब है हमको, है ना, तो ये 120 था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है अब 60 डिग्री, क्योंकि हमको छोटा एंगल लेना है, इसलिए कुछ नहीं किया हमने, इस ए को हमने उठाकर यहां शिफ्ट किया है पैरेलली, है ना, ये हमने उठाकर यहां बना दिया वैसा का वैसा, जैसा यहां पर था वैसा का वैसा उठाकर यहां बना दिया मैंने, है ना, यहां से उठाकर यहां आ गया, तो ये 60 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। तो क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई। अब एक और मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूंगी छोटा सा, उससे आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी, ये अच्छे समझ लो, पैरेलल शिफ्ट में वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है, बस उसको उठाकर हम वैसा का वैसा किसी दूसरी जगह पर रख रहे हैं, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, तो ना ही उसके वैल्यू में चेंज होगा, ना ही उसके मैग्नीट्यूड में, ना ही डायरेक्शन में चेंज होगा। एक और गलत एग्जाम्पल एंगल के बारे में ही, जैसे ये कोई है ना, ये एंगल है, एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर बी इधर है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एंगल है ना, एक तो आप समझ सकते हो ये भी एक एंगल है दोनों के बीच का, है ना, और एक ये भी एंगल है, जैसे कि मैंने बात की कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल, तो कौन सा एंगल लेंगे हम दोनों के बीच का, 45 डिग्री वाला एंगल, है ना, ऐसा नहीं करना है कि इधर वाला एंगल देखे, एंगल दो मिलेंगे आपको वेक्टर्स के बीच, दिख ही रहा है यहाँ पर, ये वाला भी एक एंगल है वेक्टर्स के बीच का, बट हम इसको ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले एंगल को, और दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो है 45 डिग्री का, तो हम इसी को यहाँ पर लेंगे, ठीक है, 315 वाला नहीं लेना है, ये 315 ही होगा ना, 360 माइनस 45, तो इसको नहीं लेना है, इधर वाले को कौन सा लें, सिर्फ छोटा वाला एंगल, तो ये छोटा सा जो एंगल है 45 वाला वो हमने यहाँ पर ले लिया है। तो आई होप आपको एंगल की सारी बातें समझ में आ गई, जो छोटा एंगल है दोनों के बीच का वो लेना है, एंगल डायरेक्शन बताता है, और दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल है तो वो बताएगा कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है या डायरेक्शन में कितना अंतर है दोनों की, है ना, ये 45 डिग्री पर है इसके कंपैरिजन में ए वेक्टर से। अब आती है बात वेक्टर एडिशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब अगर आपको दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे पता करेंगे, इसी को हम कहते हैं रिजल्टेंट, पूरा लिख दूं, इसको दिखाते हैं आर से, मतलब हम कह रहे हैं कि आर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, ए का और बी का रिजल्टेंट कौन है, आर, और अब आर को कैसे पता करते हैं, डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड जोड़ देंगे और आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे हम निकाले दोनों का एंगल, सॉरी दोनों का रिजल्टेंट कैसे हम निकाले, उसी को हम समझते हैं वेक्टर एडिशन से, रिजल्टेंट पता करना। अब इसमें दो लॉ आते हैं,
एक आता है, वैसे तो बहुत सारे हेड टेल लॉ भी होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को समझे, उसी को पढ़े, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक ये वाला लॉ है हमारे पास, इस लॉ को हम समझते हैं, लॉ क्या होता है, क्या कहता है ये हमसे। और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, दोनों समान ही है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में से, है ना। अगर एक लॉ है हमको पता तो हम उससे दूसरा लॉ इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। डेरिवेशन दोनों का सेम है, डेरिवेशन में कोई भी अंतर नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और डिराइव करते हैं। पहले समझें कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कह रहा है हमसे, है ना, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या। एक और बात ध्यान देंगे यहाँ पे, वेक्टर्स की डेफिनेशन में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। हमने क्या कहा, क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑबे वेक्टर एडिशन, ये पूरी परिभाषा है वेक्टर्स की। एक्चुअल मतलब क्या है कि दो क्वांटिटी, जो क्वांटिटीज हैं वो कब कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज, जब उनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ ही साथ वो वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करे, वेक्टर एडिशन का नियम उन पर लागू हो, तभी हम कहेंगे कि वो क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो जो करंट है ना, करंट क्या होता है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसकी वैल्यू भी होती है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसका डायरेक्शन सिर्फ क्या बताता है करंट का, कि किधर फ्लो हो रहा है चार्ज, है ना, चार्ज जो है वो किधर फ्लो हो रहा है, किस दिशा में फ्लो हो रहा है, क्यों, वो बताने के लिए हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को दिखाते हैं, वो वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना, वेक्टर एडिशन उस पर लागू नहीं कर सकते, इसलिए करंट जो होता है इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मेरी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन पूरी ये है, एक्चुअल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर एडिशन, जो नियम अभी हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन का, वो नियम जो होता है वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहेंगे वो क्वांटिटी वेक्टर है। चलिए तो कैसे हम करते हैं, आप सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों देखते हैं, फिर उनका डेरिवेशन देखते हैं लास्ट में। तो शुरू करते हैं, मार्कर पहले चेंज कर ले थोड़ा। ट्रायंगल टी ब्लैक से, बाकी रेड से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अच्छा लग रहा है लिखा हुआ इससे, है ना, रेड रेड। चलो ट्रायंगल लॉ हमसे क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स, ये स्टेटमेंट है उसका, है ना, स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by two sides of a छोटा सा triangle बना दिया, sides of a triangle taken in same order, then the comma कहीं और ही लग गया है नीचे, बहुत यहां लगा देते हैं, then the रिजल्टेंट क्या होता है मैंने बता दिया अभी, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, थ्योरी थ्योरी हो रही है, इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। बात को समझे, छोटी सी बात है, शब्द बड़े बड़े हैं, है ना, ऑपोजिट मैनर कहें, ऑपोजिट ऑर्डर कहें, जो कहना हो वो कहें। कैसे समझो, ये डायरेक्शन ए है ना, अब इसी ऑर्डर में लेना है आगे, मतलब सेम ऑर्डर, मतलब ये यहां से खत्म हुआ तो अगला वाला यहीं से शुरू करना है, ये हो गया बी वेक्टर। यही कहा है कि हमने अगर वेक्टर्स, दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को आपने ट्रायंगल की दो
साइड से शो करते हैं, दो भुजाओं से हम शो कर रहे हैं त्रिकोण की, तब क्या होगा, उनको सेम ऑर्डर में लेना है। मतलब इसकी जो हेड है उसके हेड से इस वाले के टेल को जोड़ दिया हमने, तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों का वो तीसरी वाली साइड से दिखाया जाएगा, ऐसे कुछ टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब ऐसा नहीं कि इसी में वापस ऐसा बना दो, ये ऐसा चला फिर आगे बढ़ाया फिर वापस पीछे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमने ऑपोजिट में तो लिया है इसको, कैसे हम यहां से यहां तक आ गए थे, लेकिन अब क्या हुआ, वापस हमने शुरुआत से शुरू किया और इस शुरू वाले पॉइंट को और इसके पॉइंट को जोड़ दिया, ठीक है। दो तरीके, दूसरे तरीके से हेड और टेल से समझ सकते हैं। ये क्या हुआ इसके लिए, ये इसकी टेल, तो इसकी टेल को और आखिरी वाले के हेड को हमने जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट और ये दिखाएगा क्या, दोनों का रिजल्टेंट दिखाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कहता है हमारा पूरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये वैल्यू निकालनी कैसे है वो थोड़ा समझ ले हम। अच्छा यहीं पर मैं आपको पैरेललोग्राम बना के बताती हूँ, है ना। अगर हम पैरेललोग्राम की दो साइड से वेक्टर्स को दर्शाते हैं, मेरी बात समझना, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाए। अगर मैं पैरेललोग्राम की दो साइड से, दो अलग अलग साइड ले रही मैंने उसकी, अगर उससे मैं दर्शाती हूँ वेक्टर्स को दो, तो उसका जो डायगोनल रहेगा, यही आएगा डायगोनल, तो जो डायगोनल बन गया पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये और ये दोनों पैरेलल, ठीक है। ट्रायंगल रेक्टेंगल को थोड़ा सा खिसका दिया हमने, तिरछा कर दिया, तो बन जाएगा पैरेललोग्राम, है ना। तो इसका जो ये डायगोनल है वो हमको देता है रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या दोनों में समानता दिख रही है आपको, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये भी बी है, पैरेलल शिफ्ट कर दिया हमने बी को, कह सकते हैं बी को यहां से उठा के कहां ले आया है, यहां ले आया है, ऐसे ही कुछ बनेगा। अगर मैं यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दूंगी बी को, तो ये यहां था ना, इसको उठा के मैं यहां बना दूं, तो क्या ये बन जाएगा, है ना, बाय पैरेलली शिफ्ट ऑफ बी, है ना। ये बी है, इस बी को उठा के मैंने पैरेलली कहां रख दिया, यहां रख दिया, पैरेलल दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ, है ना। तो ये अगर बी है पैरेलल शिफ्ट करने पर, तो क्या ये और ये एक जैसा हो गया, दोनों सेम दिख रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है, पैरेललोग्राम ये कहता है कि अगर पैरेललोग्राम से दो साइड्स को दिखाते हैं हम वेक्टर्स को, पैरेललोग्राम की दो साइड से, तो जो डायगोनल होगा उसका वो हमको क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा दोनों के लिए। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। ऑर्डर ध्यान रखना है कि एरो कहां से कहां जा रही है, यहां आए, यहां से इधर, इसको बी को बनाया और सी को कहां बनाया, यहां पर बनाया, और पैरेललोग्राम हमको ये कहता है। मतलब यह है कि डेरिवेशन जो है सेम है, दोनों का डेरिवेशन कोई अंतर नहीं है, आप इसको लेके करो या इसके लेके करो, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। कैसे, अब मैं समझाती हूँ आगे। तो इतनी बात आई, होप आपको क्लियर हो गई होगी ट्रायंगल लॉ क्या होता है और उसका स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो हमने बनाया कि ए और बी को अगर हम दो साइड से दिखाते हैं तो रिजल्टेंट जो है तीसरी साइड बताती है हमको, लेकिन उसको ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है, जहां से शुरू किया था और जो हमारा आखिरी वाला पॉइंट है जहां पहुंचे उनको मिला दो ऑपोजिट। ऐसा नहीं कि ऐसा वापस ऐसे घूम के ऐसे सीधे आ रहे, क्योंकि ऐसे गए ऐसे गए वापस पीछे, पीछे नहीं आना, उल्टा चलना है हमको। चलिए, तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी, हटा दें स्टेटमेंट को, है ना, नोट कर लें आप लोग। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन कैसे करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझना जरूरी है वस्तु की, हुआ कैसे डेरिवेशन, मैं ये फिर से बना रही हूँ ऊपर, है ना, तो आप चाहें तो फटाक से इसको बना ले और इसको ऊपर एक बार फिर से बनाना ही पड़ेगा आपको, डेरिवेशन को दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल लॉ का हम देखेंगे डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले हम डायग्राम थोड़ा सा फिर से बना ले एक बार, और डायग्राम थोड़ा बड़ा बना ले, क्योंकि डायग्राम से ही हमको डेरिवेशन जो है वो मिलेगा। मतलब हमको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा रिजल्टेंट का, और उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, एंगल। तो सपोज ट्रायंगल लॉ हमसे क्या कह रहा था, हम पैरेललोग्राम का लॉ एक्चुअली डायग्राम बना रहे हैं, हम पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है, ऐसा कुछ, पहले तो जैसा है वैसे ही बना ले। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसा कुछ, है ना,
इसको यहां से पैरेलली शिफ्ट कर दो, अगर थोड़ा सा पीछे बना ले, ए वेक्टर है ना, क्या हो गया ये वन, चलो ये ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसा ही पैरेलली शिफ्ट, मैंने बी को क्या किया, बी को पैरेलली यहां पर शिफ्ट कर लिया। तो आपको दोनों दिख रहे हैं यहां पर, ये ट्रायंगल लॉ कह रहा है और ये क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है। इसके हिसाब से रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई डाउट किसी को इस बात में, दोनों दिख रहे हैं ना आपको, पैरेललोग्राम लॉ भी और वेक्टर ट्रायंगल लॉ भी। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि ये और ये जो है, अगर दो साइड्स हैं तो थर्ड साइड क्या देगी, हमको रिजल्टेंट देगी। और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर ये और ये दो साइड्स है पैरेललोग्राम की, तो जो डायगोनल होगा, डायगोनल हमको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, ए प्लस बी वेक्टर। वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन सा है हमारा, बी वेक्टर है। कैसे करेंगे, एंगल की बात कर ले पहले हम। सपोज इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये वाला, वो है थीटा। किसके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, और रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है अल्फा। क्या ये एंगल समझ में आ गए, ए और बी के बीच का जो एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमने लिया है थीटा, और ए वेक्टर और रिजल्टेंट जो है इनके बीच का एंगल लिया है हमने अल्फा, आप यहाँ पे देख सकते हो। सपोज ये वाला जो है वो हो जाएगा बीटा, है ना, रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमने लिया है बीटा। चलो इस एंगल्स की जरूरत हमको पड़ेगी। अब क्या कर रही हूं मैं, इसको थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा आगे बढ़ा दिया, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रही हूं ऐसे, है ना। सपोज इसे हम कह रहे हैं यहां से स्टार्ट हुआ है ए बी सी डी, और इसे मैं कह देती हूं, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है उसे मैंने कह दिया ई। एंगल में हटा दे रही हूं, आपको एंगल के बाद समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो क्या ये पूरी बात समझ में आ गई मेरी, आपको आई होप आ गई होगी। क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और एक परपेंडिकुलर यहां से हमने डाल दी ई पर, इस लाइन पर, एक्स पर, मतलब इस वाली लाइन पर जो यहां पर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। अब ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, पैरेलल शिफ्ट किया था हमने, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, पूरा थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर एक्स से थीटा बना रहा है तो क्या ये भी एक्स से थीटा बनाएगा, अगर अच्छे समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से बना देती हूँ यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन अगर बाकी हो तो थोड़ा सा बड़ा, है ना, जैसा है ये वैसा ही हम यहाँ पर ऐसा बनाते हैं। अब बराबर दिख रहा है, हाँ, है ना, जैसे ये बी था, इसको बी को पैरेलल शिफ्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये बी वेक्टर, और अब यहां से मैं परपेंडिकुलर डालू यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर ये कितना है ए, ये था बी, ये है सी, और ये हमारा बी वेक्टर है, इसको हमने पैरेलल यहां पर रख दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो यहां पर भी ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ए को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया और कुछ नहीं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो, है ना, इसी को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। अब क्या करें, हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल देखो, पूरा ट्राइंगल देखिए, बड़ा वाला ए सी ई, ए सी ई वाला, मतलब ए सी ई, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, बड़ा वाला ट्राइंगल अगर हम देखें तो। अब बड़े वाले ट्राइंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो भी एक 90 डिग्री का एंगल है, बिकॉज ये 90 डिग्री है, ए सी ई ये पूरा भी 90 डिग्री का होगा, बड़ा वाला ट्राइंगल। और एक ये छोटा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी ई, इनको लेकर हम पूरा सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी हो जाएगा, इसका तो हमको पता है मैग्नीट्यूड आर है। अभी हम डायरेक्शन के बारे में नहीं बोल रहे, अभी हम क्या बोल रहे हैं, इनकी वैल्यूज के बारे में बात करें। अब इसके बारे में कैसे करेंगे हम बी ई, देखो यहां पर निकालने की कोशिश करो, ये और ये निकालने की कोशिश करो, अगर हमको ये और ये मिल जाए तो इस ट्राइंगल में हमको सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी, क्योंकि ये तो कितना है, बी है ये वाला, हमको ये परपेंडिकुलर और ये बेस पता करना है। अब देखो मैं लिखूं यहां से अगर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, है ना, तो बी, तो क्या लिखूंगी मैं, सीई कितना आ गया, बी कॉस थीटा, ये वाला सीई नहीं आएगा, क्या गड़बड़ चल रही है आज, देखो कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बीई अपॉन बी, ये बी है हमारा, है ना,
ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है एक्चुअल में, मैं ऐसा पहले लिख देती हूँ, है ना। अब देखो BE कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा, ये जो हमारा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है एक्चुअल में, BC का, BC का मैग्नीट्यूड B है, तो हमने उसको B लिख दिया है, मतलब ये साइड मेरी कितनी हो गई, बी कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं, साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब BC, और BC का मैग्नीट्यूड कितना है, B है, तो CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B साइन थीटा, मतलब ये भी मुझे मिल गया B साइन थीटा, ये B कॉस थीटा, ये B साइन थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड B था, है ना, B वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड B ही रहेगा उसका, वैल्यू की बात करें अगर हम, तो है ना, B के वैल्यू की। चलो हमने ये सब यहाँ पे देख लिया, अब आते हैं हम ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा वाला मतलब ACE, ये तो हमने किसमें किया सारा, ट्राइंगल BCE में किया है ना, ये जो वैल्यूज हमने निकाली है साइड्स की। अब आ जाते हैं हम बड़े वाले ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ACE, ACE वाले ट्राइंगल में एक काम करो, आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश करो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, क्या मैंने सही लिखा है, जो लिखा है ए सी मेरा परपेंडिकुलर है इन ट्राइंगल ए सी ई, हाइपोटेनियस है मेरा ए सी, ए सी मेरा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर सी ई है मेरा और बेस मेरा है ए ई, तो ए सी इसका क्या है मैग्नीट्यूड आर है, ए सी का मैग्नीट्यूड कितना है आर, रिजल्टेंट ही दिखा रहा है ना हमारा, तो आर है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू है ना ए ई, ए ई पूरा ये वाला प्लस ये वाला, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी ई, अब थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन भूल जाओ है ना, सिंपल अपना जो मैथमेटिक्स है उससे इसको देखो, प्लस सी ई, सी ई का कितना मैग्नीट्यूड है बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी रख दें, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है ए प्लस, ये कितना है बी ई, बी कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लगा दो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या मेरी बात समझ में आ गई, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये हमारा इसका, अब क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर ये और ये दोनों में से कॉमन ले लो बी स्क्वायर, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा वन, आइडेंटिटी का कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया, तो बचा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो हम रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो पता कर सकते हैं, रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, यहां लिख दूं मैं फिर से एक बार, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्या मेरी बात समझ में आ गई है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने इस बड़े वाले ट्राइंगल में, उसी से हमने ये डेरिवेशन किया है, हमने आर की वैल्यू पता कर ली है। अब एंगल की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हम निकालते हैं रिजल्टेंट का किसके साथ में, ए के साथ में, मतलब हम अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, फिर से देखो ट्राइंगल कौन सा, यही वाला मेरा ए सी ई वाला, थोड़ा नीचे लिख दे ट्राइंगल ए सी ई, डायरेक्शन है ना, यहां पर हम डायरेक्शन को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्शन में देखिए अगर हम पूरा कवर करना है आपको ना, ये इसकी डायरेक्शन पता करनी है तो ये एंगल कौन सा है, अब अल्फा है थीटा तो नहीं आएगा, थीटा तो पूरा एंगल था, हमको कितना पार्ट देखना है ए सी, ए सी ई वाला, ए सी ई वाला पूरा ट्राइंगल, इसमें अल्फा ये रहा है ना, तो हम कहीं ना कहीं टेन अल्फा निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा बी साइन थीटा और बेस कितना है मेरा, आप देखें तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल में ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये मेरा क्या हो गया, जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी, टेन अल्फा से, ऐसे कुछ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कैसे हमने पूरा डेरिवेशन किया है, एक बार चाहे तो एक बार पॉज करें, खुद से पूरा देखें फ्लो और समझे बात को, है ना।
तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा और डायरेक्शन जो है वो ऐसे निकलेगी टेन अल्फा से। ये पूरा हमने डेरिवेशन लिखा है ट्राइंगल लॉ का यूज करके, हमने रिजल्टेंट पता कर लिया, रिजल्टेंट ये आता है ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, है ना, और जो एंगल है वो हमने ऊपर लिखा है टेन अल्फा, जो कि रिजल्टेंट किसके साथ बना रहा है, ए वेक्टर के साथ बना रहा है। अब दो इंपॉर्टेंट बातें, है ना, इतना अगर कंप्लीट हो चुका है तो दो इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है पर ये दो ज्यादा बातें इंपॉर्टेंट है इन सबको देखने के बाद। रिजल्टेंट विल टेंड टुवर्ड्स लार्जर वेक्टर, मतलब अगर मैं कहूं ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है और ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है किसके मैग्नीट्यूड से, बी के मैग्नीट्यूड से, जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। मतलब कह सकती हूं कि जो ए से उसका एंगल होगा वो छोटा होगा और बी से जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। क्या ये मेरी बात समझ गए सभी? अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है, ए बड़ा है बी से, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका हुआ रहेगा ज्यादा, ए की तरफ झुका हुआ है, जो बड़ा उसकी तरफ झुकेगा रिजल्टेंट, सीधी सी बात। मतलब अल्फा छोटा रहेगा, अल्फा विल बी लेस देन बीटा, एंगल छोटा रहेगा तभी तो ज्यादा झुका हुआ रहेगा ए की तरफ, ए से कम एंगल बनाएगा बी से ज्यादा एंगल बनाएगा, क्योंकि बड़ा ये ए है तो झुकेगा किसकी तरफ, वो ए की तरफ झुकेगा। ऐसे याद कर लो, है ना, जो बड़ा उसकी तरफ झुकना है, सीधी सी बात, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज बराबर टू मैग्नीट्यूड बी, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो एंगल होगा वो होगा दोनों के बीच के एंगल का आधा। मतलब अगर मैं कहूं कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और बी दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन कुछ भी हो, दोनों अगर मैग्नीट्यूड में बराबर है तो जो अल्फा होगा वो दोनों के बीच के एंगल का आधा होगा। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं, जिसमें ट्रायंगल लॉ भी हम अप्लाई कर देंगे, जो हमारा रिजल्टेंट आया है फॉर्मूला वो भी, और आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, टू वेक्टर्स आर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड of 8 units and angle between them is angle is 90 degree ले ना, सबसे सिंपल सा, ताकि आपको डिविजन भी समझ में आ जाए। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशन, एक डायग्राम बना के देखिए। पहले हम जो कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि दोनों एंगल्स, दोनों वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए और बी जो है वो बराबर है। अगर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, हम अगर समझ ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है, वेक्टर नहीं लगाया ऊपर, मतलब मैग्नीट्यूड को की बात कर रहे हैं। नई मॉड में लिखोगे तो वेक्टर लगाए तो मॉड में लिखना पड़ेगा, और बिना वेक्टर पे लिखोगे तो मतलब है कि उनके मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल कितना बोला है उसने हमको 90 डिग्री, और कहा है कि दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का, इसका भी 8 यूनिट इसका भी 8 यूनिट। तो हमको रिजल्टेंट पता करना है आर कितना है और आर का डायरेक्शन क्या है, मतलब टेन अल्फा, अल्फा पता करना है और आर पता करना है। लगाओ फॉर्मूला, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसी से हम आर निकालेंगे। अभी अभी हमने निकाला है ये फॉर्मूला, रखो वैल्यूज, ए कितना है 8 स्क्वायर, बी कितना है 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 8 कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है
90 डिग्री, थीटा क्या होता है ए और बी के बीच का एंगल जो कि है 90 डिग्री, तो आर कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो हो गई, इसका मतलब आर भी कितना आ गया है हमारा 8। कोई डाउट किसी को इस बात में, 8√2 आएगा है ना एक्चुअल में, 8√2 यूनिट्स, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 8√2 यूनिट्स ही आएगा, तो ये किस क्या हो गया हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। इसको भी देखो मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया है, बिना एरो के मतलब भी वो रिजल्टेंट का क्या है मैग्नीट्यूड है, आर दिखा है सिंपली, तो आर मैग्नीट ऐसा लिखूंगी मतलब वो वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए हम डायरेक्टली आर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ए बी इनके ऊपर एरो नहीं लगाया है। चलो ये तो हो गया किसकी बात हो गई रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की, अब आती है बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन का जो हमारा फॉर्मूला है टेन अल्फा क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो कितना है 8 इंटू साइन 90 अपॉन 8 प्लस 8 कॉस 90, थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल जो हमको पता है 90 डिग्री है, 8 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, 8 प्लस 8 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, 8 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसल आ गया 1, tan अल्फा बराबर कितना हो गया 1, मतलब tan अल्फा 1 कब होता है किस एंगल पर 45 डिग्री पर, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, मतलब आप कह सकते हैं कि एंगल को आधा आधा डिवाइड कर देता है जब दोनों वेक्टर्स बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, तब दोनों वेक्टर्स बराबर थे दोनों के बीच का एंगल 90 था तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री 90 से आधा, मतलब अल्फा बराबर क्या होता है थीटा बाय 2 व्हेन ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो, अल्फा क्या है इसका एंगल रिजल्टेंट का है ना, तो एंगल का आधा हो जाता है दोनों के बीच का एंगल उसका आधा हो जाता है रिजल्टेंट का एंगल या डायरेक्शन जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड 8 था इसलिए दोनों के बीच का एंगल का आधा हो गया 45 डिग्री जो हमारे लिए रिजल्टेंट का एंगल निकला है अल्फा, अल्फा बराबर 45 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें हमने जो ट्रायंगल लॉ से हम डेरिवेशन लेकर आए थे उसका भी यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल हमने वैल्यूज रख के सारा कैलकुलेशन कर लिया है। तो आज हमने जितना पोर्शन कवर किया है अब जो बचा हुआ हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम कवर करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पहले, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लेंथी ज्यादा हो गया है, तो जो इसके न्यूमेरिकल्स है इस रिजल्टेंट के वो हम उसमें कवर करेंगे, प्लस दोनों का डिफरेंस कवर करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और कार्टिजन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारी बातें बची हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ बाकी है अभी भी वेक्टर्स में। तो आई होप आपको आज का इतना पार्ट समझ में आएगा अच्छे से अगर आप पूरा लेक्चर एक फ्लो में देखेंगे और चीजों को नोट करेंगे, नोट जरूर करें जितने एग्जांपल्स हैं सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इतना हमको करना ही है। डेरिवेशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी 11th में है स्टूडेंट्स, 12th के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जो एक्चुअल रिजल्टेंट कैसे पता करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए रिजल्टेंट का ही फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 11th क्लास में आपको हो सकता है डेरिवेशन आए करने के लिए। चलिए सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो देखें सारी चीजों को समझें, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो वो भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को और देखते रहें।